सर बिहार में इंडिया सर कितने बिहार में हम लोग 40 की 40 बिहार में अब लोगों में इस बात का डर है कि कहीं 90 का दशक वापस लौटा। जंगल राज से जो लोग प्रताड़ित रहे हैं, वो बुजुर्ग, वो युवा जो उस वक्त पलायन कर आज तक वापस नहीं आ पाए, वो डर है लोगों में। यही कारण है कि 2019 में राजद एक भी सीट नहीं जीत पाई, कांग्रेस गलती से जीत गई। इस बार 40 की 40 सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं और जो 400 का लक्ष्य है केंद्र में सरकार बनाने का वो पूरा करेंगे। चिराग नीतीश जी ने कहा, सर नीतीश जी ने कहा मंच से कि इतना बच्चा पैदा क्यों करते हैं, जिसके बाद तेजस्वी जी ने सारे बाबा राम भीम अम्बेडकर से लेकर अभी तक जितने भी राजनीति थे बच्चा गिनवा दिया उन्होंने। देखिए हकीकत है, सिर्फ और सिर्फ विकास पर इस बार लोग ध्यान दे रहे हैं और वो विकास से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं, ये विश्वास लोगों में है। सिर्फ मोदी की गारंटी पर और डबल इंजन की सरकार पवन सिंह जी मैदान में उतरे हैं, चुनाव लड़ने का क्या कहेंगे? माने चुनाव करते हम थोड़ी पहुंचे, हमारा घर है तो पहुँच गए। बात ऐसा है कि मेरी शुभकामना है जितने भी लोग हैं सब लोग जीते, सब लोग बिहार के विकास के लिए काम करें। जो शिक्षा है वो जरूरी है, नेता बन जाने से अगर चीज़ें बड़ी हो रही है तो हमको काफ़ी जब से उम्र है तब से कई सारे नेताओं को बनते हुए देखे बट बिहार को बदलते हुए नहीं देखे। तो मेरी शुभकामना अपने भाई के साथ की वो जल्दी 4 सांसद भवन में हमारे लिए, अंदर भाषा के लिए, सिनेमा के लिए, शिक्षा के लिए, लोगों के रोजगार के लिए आवाज़ उठाएँ, हमारी जहाँ भी मदद करें। खेसारी जी, लगातार आप चुनाव को लेके ये बात कहते हैं कि मुद्दे पे बात होनी चाहिए, रोजगार पे बात होनी चाहिए, इस बार 400 पार के बार बार नारे लग रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? राजनीति विषय है, वो 400 पार होगा कि 800 पार होगा वो नेताओं का विषय है, मेरा विषय है बिहार का विकास का। मैं अगर हम सभी मिलकर बात नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि बिहार के विकास के लिए कोई दूसरा बात कर रहे हैं, क्योंकि मजबूर हम ही हैं, परेशान हम हैं, कोई नेता नहीं। नेता के बच्चे तो अच्छे से पढ़ी लेते हैं, नेता के बच्चे तो अच्छे एसी में रहते ही हैं, नेता के बच्चों के पास पैसे की भी कमी नहीं है, उनका हेल्थ का भी इशू नहीं है। रीज़न है कि उनके पास पैसे हैं तो उनके हेल्थ को कोई प्रॉब्लम है नहीं। इशू हमारे भोजपुरी के बिहार के लोगों के लिए है जिनके पास रोज़गार नहीं है, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है। तो रोज़गार मुझे लगता है कि हमें खुद ही कमाना पड़ेगा। हम किसी नेता से आशा करते हैं, हमारी ये गलती है कि हम किसी पे आश्रित हो जाते हैं। कोई भी आएगा बदलेगी, ये होगा वो होगा, सिर्फ वादे होते हैं। तो मुझे लगता है कि हर जनता को, बिहार के हर उस जनता को अपने बच्चों के लिए खुद ही खड़ा होना चाहिए। तेजस्वी यादव का है, इसके बाद क्या खेसारी भी मैदान में रहेंगे, चुनावी मैदान में राजनीति में एंट्री करेंगे? खेसारी जी, लोगों का भला करने के लिए और विकास करने के लिए जरूरी नहीं है नेता ना। आपके अंदर विचारधारा अच्छा है, आपके मन में अगर किसी के लिए सेवा भाव है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप नेता बन के ही दुनिया का सेवा कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। मैं जहाँ तक रहा मेरा सवाल, तो मेरा भी कोई ज़्यादा है नहीं चुनाव लड़ने का और ना ही मैं चुनावी मुद्दे में हूँ। मेरा विषय सिर्फ ये है कि मजबूरी में उन लोगों का अलग विषय है, मेरा अलग विषय है कि मैं अपने भाषा को कहाँ लेके जाऊँ, अपने भाषा को कितना ऊपर लेके जाऊँ, सिनेमा के माध्यम से, संगीत के माध्यम से। तो एक जिम्मेदारी बिहार की और भोजपुरी भाषा की है हमारे ऊपर, मैं उसी को निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या मानते हैं पवन सिंह जी अगर जीतेंगे? लगातार सॉन्ग तो आ ही रहे हैं और एक बहुत बड़ी मूवी आ रही है हमारा रणदीप बसंती, जो कि बहुत बिग बजट की सिनेमा है और आज मल्टीप्लेक्स में हर जगह, चाहे गुजरात हो, मुंबई हो, कलकत्ता हो, पहली भोजपुरी फिल्म होगी जो इतनी बिग बजट की हो और दूसरा कि हर जगह मल्टीप्लेक्स में। आप लोगों से यही निवेदन करूँगा कि अगर अपनी भाषा की चीज़ें अगर बड़ी लेवल पर आती हैं तो आप भी कोशिश करिए कि उसको पोस्ट करें और उसको लोगों तक पहुँचाने का काम क्या करते हैं। तेजस्वी यादव के लिए आप प्रचार में जाएंगे? अगर वो बुलाएंगे तो जाएंगे, बिना बुलाए तो हम अपने घर नहीं जाते। आप मानते हैं कि यादव लगातार ये कहते हैं कि हम भी युवा हैं, खेसारी लाल यादव भी युवा हैं, तो क्या तेजस्वी यादव को सपोर्ट कीजिएगा इस चुनाव में? देखिए जिसका विचारधारा अच्छा होता है, मेरे लिए बोलिए मत, मायने नहीं रखती, कोई नेता मायने नहीं रखता, मेरा संबंध मायने रखता है, उससे ऊपर हमारे बिहार का विकास है, अपने मायने और मेरे से भी बढ़कर हमारे बिहार की जनता है।
तो मुझे लगता है कि हम सबसे ऊपर हमारी जनता है, जो उन्होंने मुझे बनाया है, तेजस्वी जी को बनाया है, चाहे जितने भी कलाकार हो या नेता हो, अभिनेता हो, जो भी सबको हमारी जनता ने बनाया, हम सबसे ऊपर है जनता। तो जनता के बाद जो करेगा, जनता के विकास की बात जो करेगा, जो जनता के लिए करेगा, उसके लिए हमारी आशा करूँगा।